बॉलीवुड में अलग अलग जॉनर की फिल्में बनती आ रही हैं, कॉमेडी, लव, रोमांस, एक्शन एटसेट्रा। और आजकल तो थ्रिलर जॉनर पे फिल्में बनाने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जब मूवीज को लाइमलाइट में लाना हो तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी कोई चीज पब्लिकली प्रेजेंट करने से पहले हमें दो बार सोचना पड़ता है। बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इश्यूज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फिल्मों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इनमें से कुछ फिल्में इंडियन पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करती है, तो कुछ फिल्में पॉलिटिकल सिस्टम सुधारने के लिए गवर्नमेंट को चैलेंज करती है। इस टॉप 10 की लिस्ट में हम इंडियन पॉलिटिशियंस की बायोपिक्स को ऐड नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये उन फिल्मों की लिस्ट है जो साल 2000 के बाद रिलीज हुई है और हमें इंडियन पॉलिटिक्स का हर एक पहलू अलग अलग तरीके से दर्शाती है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो हमारे टॉप 10 पॉलिटिकल थ्रिलर्स की लिस्ट में शामिल है। नंबर 10, सत्याग्रह। 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म पॉलिटिकल फिल्में बनाने वाले जाने माने डायरेक्टर प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट की है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनोज बाजपेयी, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल और अमृता राव, इतनी सारी बड़ी स्टारकास्ट के साथ बनाई गई इस फिल्म में आम जनता पे होने वाला अन्याय और पॉलिटिशियंस का करप्शन दिखाया गया है। एक इंसान जो गांधी जी के मूल्यों पर चलता है, दूसरा जो मॉडर्न इंडिया की फिलोसॉफी रिप्रेजेंट करता है, एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक फियरलेस जर्नलिस्ट। ये फिल्म उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। नंबर 9, फिराक। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म साल 2002 में हुए गुजरात वायलेंस पे बेस्ड है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने। 2002 के गुजरात वायलेंस के एक महीने बाद आम लोगों पे इसके क्या क्या असर हुए, ये इस फिल्म में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाए गए हैं। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नंबर 8, पीपली लाइव। फार्मर सोसाइटी जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू पे बनाई गई ये फिल्म मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज के काले सच को हमारे सामने लाती है। ये कहानी है एक गरीब किसान नत्था की, जिसका भाई उसको सुसाइड करने के लिए इंकरेज करता है। ये खबर न्यूज चैनल के जरिए सब जगह फैल जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया अपना अपना गेम खेलने लगती है। नत्था अब नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। ये फिल्म के जरिए हमें ये पता चलता है कि अपने फायदे के लिए मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक जाती है। नंबर 7, आरक्षण। 2011 में रिलीज हुई फिल्म आरक्षण अपने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई थी। मूवी बेसिकली फोकस करती है इंडियन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में जाति के आधार पे मिलने वाले आरक्षण पे। मूवी के फर्स्ट हाफ में जाति के आधार पे मिलने वाले आरक्षण पे फोकस किया है, तो सेकेंड हाफ में अपने फायदे के लिए चलाए जाने वाले कोचिंग क्लासेस के बिजनेस का पर्दाफाश किया है। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपके जूते सिए, बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने, हमें मेहनत सिखाएंगे आप। नंबर 6, शंघाई। 2012 में रिलीज हुई दिवाकर बैनर्जी की मूवी शंघाई एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जो ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी। फिल्म में एक शहर दिखाया है जिसका नाम है भारत नगर, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस पार्क बनाने का प्लान करती है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट भारत नगर को शंघाई बनाने का प्लान करती है। इंडिया में होने वाला करप्शन, पॉलिटिकल पार्टी के गेम्स, पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी। नंबर 5, नायक। नायक एक ऐसी फिल्म है जो हर एक इंडियन ने देखी होगी। एक साधारण से न्यूज जर्नलिस्ट को एक दिन का सीएम बनने का मौका मिलता है और वो इस एक दिन में देश का पूरा सिस्टम बदल देता है। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म नायक इंडियन सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। नंबर 4, रंग दे बसंती। देखा जाए तो रंग दे बसंती पूरी तरह से पॉलिटिक्स पे बेस्ड नहीं है, लेकिन हमें हमारे करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम का एक पहलू दिखाती है। ये स्टोरी है एक फ्रेंड्स के ग्रुप की, जो फ्रीडम फाइटर्स की एक डॉक्यूमेंट्री पे काम करते हैं। उनका एक फ्रेंड है जो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, जिनको अपनी लाइफ एक प्लेन क्रैश में सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस अपने मिस्टेक को छुपाने के लिए उसी पे एक खराब पायलट होने का आरोप लगाती है। ग्रुप के बाकी फ्रेंड्स फ्रीडम फाइटर्स की राह पे चलते हुए जस्टिस के लिए लड़ते हैं। 2006 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की मोस्ट पॉपुलर फिल्म थी और इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे। और तो और, ये फिल्म उस साल इंडिया की ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री थी। नंबर 3, सरकार। साल 2005 में आई फिल्म सरकार हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर से इंस्पायर्ड है। फिल्म में अमिताभ बच्चन टाइटल रोल में नजर आते हैं, साथ ही साथ अभिषेक बच्चन ने उनके बेटे का रोल निभाया है। ये सरकार मूवी सीरीज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। 2008 में सरकार राज और 2017 में सरकार 3 इसके सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में रिलीज हुए थे। इस मूवी सीरीज को डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा ने। नंबर 2, गुलाल। 2009 में रिलीज हुई पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म गुलाल अनुराग कश्यप की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मानी जाती है। फिल्म की कहानी है राजस्थान की, जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। फिल्म में के मेनन एक पावरफुल रोल में नजर आते हैं।
कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से ये फिल्म 3 साल डिले हुई और फाइनली 2009 में रिलीज हुई। नंबर वन पोजीशन डिस्कस करने से पहले देखते हैं कुछ स्पेशल मेंशंस। रन, मद्रास कैफे, युवा, न्यूटन, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नंबर वन, राजनीति। 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म में हमें पॉलिटिकल फैमिली में खेला जाने वाला डर्टी पॉलिटिक्स देखने मिलता है। ये मूवी काफी हद तक महाभारत से इंस्पायर्ड है। पॉलिटिकल पावर और सक्सेस के लिए हमारे अपने लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इस फिल्म के जरिए हमें देखने मिलता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने और ये फिल्म 2010 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है। तो ये थी हमारी टॉप 10 बॉलीवुड पॉलिटिकल मूवीज की लिस्ट। इसमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।